हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग शोभा लाइफस्टाइल। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको पोस्ट करी थी वो एक्ने स्टार फेस वॉश और एक्वी प्लस नाइट क्रीम के ऊपर थी, जो कि एक होम्योपैथिक क्रीम है। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं इस क्रीम को खुद अप्लाई करूँगी 15 to 20 डेज़। उसके बाद उसके जो भी रिजल्ट्स हैं फेस वॉश के और क्रीम के वो मैं आपको बताऊँगी। बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और मैंने इस फेस वॉश को और क्रीम को लगभग एक महीने या उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और इस्तेमाल करने के बाद में जो भी इफ़ेक्ट्स मुझे अपने स्किन पर देखने को मिले हैं वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्ने स्टार फेस वॉश की। एक्ने स्टार फेस वॉश और एक्ने प्लस क्रीम। एक्ने स्टार फेस वॉश को मैंने मॉर्निंग और इवनिंग में फेस वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया है। और एक्ने प्लस होम्योपैथी क्रीम जो है इसको मैंने सिर्फ नाइट में इस्तेमाल किया है, वो भी बहुत थोड़ा सा ही, क्योंकि अभी समर सीज़न है, मानसून सीज़न है और मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो मैंने क्रीम को बहुत थोड़ी ही मात्रा में इस्तेमाल किया है। ये क्रीम मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। फेस वॉश मैंने कॉम्बो में परचेज़ किया है, तो मुझे दो फेस वॉश मिले हैं। ये वाला फेस वॉश जो आप देख रहे हैं ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। एक फेस वॉश मैं पूरा इस्तेमाल कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मुझे कॉम्बो में मिला हुआ था। इसको परचेज़ करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एक्ने स्टार फेस वॉश और एक्ने प्लस नाइट क्रीम दोनों का ही रिव्यू मैं आपको बारी बारी से देती हूँ। तो ये है एक्ने स्टार फेस वॉश। सुबह शाम दोनों टाइम इससे मैंने फेस वॉश किया है। फेस वॉश करते हुए काफ़ी ठंडक वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो और अच्छा लग रहा था। और मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, साथ ही साथ उसमें एक्ने वगैरह भी है, डार्क स्पॉट्स भी हैं, तो उसमें मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन फील हो रहा था। और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके देखे थे, जितना भी मैं देख सकी, रिसर्च कर सकी, मुझे कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स देखने को नहीं मिले थे, कि इसलिए मैंने इसको दोनों टाइम ही इस्तेमाल किया था। और इस फेस वॉश को इस्तेमाल करने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगी कोई चमत्कार हो गया, बट हाँ, जो पुराने एक्ने थे वो धीरे धीरे करके कम हो रहे थे और न्यू एक्ने निकलना बंद हो रहे थे, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक्वी प्लस जो नाइट में मैंने यूज़ की थी क्रीम, इसमें एक खासियत यह है कि एक्वी प्लस नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हुए इसको, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है तो मुझे बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करनी होती थी। आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, क्योंकि मैं बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करती थी। इससे जो नए एक्ने हैं वो निकलना बंद हो गए, पुराने एक्ने को कम होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। डार्क स्पॉट्स पे बहुत हल्का फुल्का, बहुत रेयरली असर कर रही थी, लेकिन यस, इससे ग्लो बहुत अच्छा आ रहा था स्किन पे, कलर पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट कर रही थी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इन क्रीम और फेस वॉश की लगी, कि इनके मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। जब मैंने इन क्रीम और फेस वॉश को छोड़ भी दिया तो मुझे उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। हालांकि क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, इन्हें छोड़ने के बाद वापस फिर से एक्ने निकलने लगे, बट वो इन क्रीम या फेस वॉश के कारण बहुत एक्सेसिव नहीं हुए। जो ग्लो था ग्लो कम नहीं हुआ, स्किन पहले से ज़्यादा डल नहीं हुई, जैसे स्किन थी वो वापस बैक टू नॉर्मल हो गई थी। तो मुझे ये फेस वॉश और अगर एक्वी प्लस क्रीम की बात करें तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मुझे ऑयली स्किन के लिए ठीक लगी है। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक महीने में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखाया है, बट बहुत अच्छा नहीं दिखाया है कि पूरी तरीके से एक्ने जो है वो कम नहीं हुए हैं। मैं भी शायद 3-4 महीने इस्तेमाल करती इसको तब मुझे असर देखने को मिलता, बट एक महीने में असर देखने को उतना ज़्यादा नहीं मिला है। तो अगर मैं इसको दोबारा इस्तेमाल करूँगी तो मैं एटलीस्ट 3 महीने इस्तेमाल करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। बट क्योंकि मुझे और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं, उनका रिव्यू देना होता है, तो मैं एक ही प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टिक नहीं रह सकती हूँ। और अभी तो मैं एक नेचुरल प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ,
जो कि नेचुरल सोप है, जिसका रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जो कि मुझे ट्राई करते हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग 15 डेज हो गए हैं, और बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट है वो, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपको उसका रिव्यू दूँ। एंड आप ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगता है प्रोडक्ट, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी स्किन टाइप का है, तो आप ट्राई करें, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए अगर आप भी कोई ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं जिसको मैं अपने स्किन पे ट्राई करके आपको रिव्यू प्रोवाइड कर सकूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।